नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, छोटे छोटे दो तीन उपाय शेयर कर रहा हूँ, रेमेडीज बोले, प्रयोग बोले, उपाय बोले, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो जीवन में जो रुपयों की तंगी है, रुपयों की तंगी की वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, जो परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, समस्याएं परेशानी कम अवश्य हो जाएगी। साथ में आपके बर्थ चार्ट में, जन्म पत्र में शुक्र ग्रह ठीक नहीं है तो शुक्र ग्रह की वजह से आपके जीवन में समस्याएं और परेशानी आ रही है। शुक्र ग्रह की शुभता आप प्राप्त कर सकेंगे, शुक्र ग्रह को आप बैलेंस कर सकेंगे। कोई भी राशि में है, बर्थ चार्ट में कोई भी भाव में है, आपकी कोई भी राशि है, नहीं देखना है, सिर्फ ये छोटे छोटे दो तीन प्रयोग करें। प्रयोग आसान है, सरल है, अगर आपको फायदा नहीं होता है तो नुकसान भी कुछ होने वाला नहीं है। मगर 90 दिन, 3 महीना ये प्रयोग करके देखिए। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाए। नम्र निवेदन, छोटी रिक्वेस्ट, अर्ज कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप अवश्य लिखेंगे। वीडियो को 1 मिनट देखते हैं, आधी मिनट देखते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जय श्री राम लिखे बिना आप वीडियो को बंद नहीं करेंगे, चैनल को छोड़ के नहीं जाएंगे। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, 8732985130, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। छोटी मामूली ना के बराबर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। आपकी जो भी समस्या है, वो समस्या का समाधान मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये सभी चीज़ें मैं निःशुल्क कर रहा था, किसी के पास से कभी एक रुपया नहीं लिया है मैंने, मगर फालतू के कॉल और फालतू के मैसेज इतने बढ़ गए थे, मैं थक गया था, मजबूरन मुझे ये फीस रखनी पड़ी है, और वो भी इतनी मामूली है कि कोई मिडिल क्लास वाला और मिडिल क्लास के नीचे के जो परिवार है वो भी ये फी पे कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी, कैसे फी पेस करने है, आपको कौन सी आपकी डिटेल्स भेजनी है, क्या समस्या है आपकी, ये सभी बातें व्हाट्सएप पे करेंगे। सिर्फ मैसेज करके रख दें, ये नंबर पे कॉल करेंगे तो कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर मैं साथ में रखता नहीं हूँ। फालतू के मैसेज ना करें, फालतू के लिंक ना भेजे, फालतू के वीडियोस मुझे ना भेजे, मुझे और ज़्यादा ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भाई ज्ञान के वीडियो मुझे भेजते हैं, उस भाई को कृपया ज़्यादा कचरा फोन में इकट्ठा हो जाता है, फोन को बार बार साफ करना पड़ता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कर्पूर की, कपूर। दोस्तों, ये शुक्र है, भीमसेनी कपूर, जिसे देसी कपूर बोलते हैं, भीमसेनी कपूर, ये शुक्र है। कुछ छोटे छोटे उपाय आप कर लेते हैं इसके, पहले तो जो आप स्नान करते हैं, आपके स्नान के पानी में एक टुकड़ा डाल दें। सुबह में जब स्नान करें तब पानी में पहले एक टुकड़ा डाल दें। अगर आप वो शावर बाथ लेते हैं,
एक ग्लास में थोड़ा पानी भरे, एक टुकड़ा डाल दे, पिघल दे, ऐसे मुसलेंगे पाउडर हो जाएगा एक छोटे टुकड़े का। पहला पानी ये आपके ऊपर डाले, बाद में स्नान करें। कई भाई बहन बोलते हैं मुझे कि शावर बाथ लेते हैं हम। आप जो बालों में तेल डालते हैं, तेल के अंदर थोड़े कपूर के टुकड़े डाल दें, तेल में पिघल जाएगा। हर दिन ये तेल आपके सर पे डालें। एक छोटा पेपर का टुकड़ा ले, सफ़ेद पेपर का छोटा टुकड़ा, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिना लाइन वाला। थोड़ा कर्पूर उस पेपर में रखें, पूड़ी बना लें, आपकी जेब में हमेशा इसे साथ में रखें। आप नौकरी पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार है, बिजनेस है, रुपये कमाने के लिए जब घर से बाहर निकले तब एक कपूर की टिकिया आपकी जेब में अवश्य रखें। रात सोए तब आपके तकिए के नीचे इसे रख दें। आपके कपड़े जिस आलमारी में रखते हैं, आप कपड़े धुलाई करवाते हैं, बाद में प्रेस करके आलमारी में जो कपड़े रखते हैं वो आलमारी में, कपड़ों के नीचे कर्पूर की दो तीन टिकिया रख दे। उठ जाए दूसरी रख दे। बेडरूम में दो तीन टिकिया कर्पूर की अलग अलग जगह पे रखे। हो सके तो हमेशा आपके तकिए के नीचे कर्पूर अवश्य रखे। दोस्तों, शुक्र से सीधा संबंध है कपूर का। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप कर लेते हैं, शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है और जो आपकी आय है, जो इनकम है, इनकम फ्लो अवश्य बढ़ता है। मनी फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो बढ़ता है। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, सभी भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः, वंदे मातरम।